स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 6 टर्बाइंस का लास्ट टॉपिक हाइड्रोलिक टर्बाइंस पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ आती है। टर्बाइंस को हम पावर जनरेटिंग मशीन्स भी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर को हम डायरेक्टली टर्बाइन की शाफ्ट के साथ कपल करते हैं। एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट का जनरल लेआउट हम डिस्कस करेंगे। एक लेआउट के अंदर देखेंगे कि मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हमें एक डैम कंस्ट्रक्ट करना होता है अक्रॉस द रिवर ताकि हम वाटर को स्टोर कर सकें। दूसरा, उस वाटर स्टोरेज डैम से हमारे टर्बाइन तक पहुंचाने के लिए पाइप्स की ज़रूरत होती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े डायमीटर्स में होते हैं और इनको पेनस्टॉक कहते हैं। ये पाइप्स इन जनरल स्टील या फिर रेनफोर्स्ड कंक्रीट के बने होते हैं। टर्बाइंस की जो वेन्स होती हैं, व्हील्स के ऊपर जो फिट होती हैं, उनके शेप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो होते हैं जैसा हमारा पर्पस होता है उस तरह का हम यूज़ करते हैं। टेल रेस होता है कि जब वाटर टर्बाइन के ऊपर स्ट्राइक कर चुका है, आफ्टरवर्ड्स वो नीचे की तरफ में जहाँ पे गिर रहा है और इकट्ठा हो रहा है और आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसे हम कहेंगे टेल रेस। इसके बाद हम देखते हैं कि एक हाइड्रोलिक टर्बाइन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी इनलेट। उसमें इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन होता है। इम्पल्स टर्बाइन में इनलेट के ऊपर जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और ड्यूरिंग द प्रोसेस इन इम्पल्स टर्बाइन जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है इनलेट और आउटलेट पर। इसका एग्जांपल है पेल्टन व्हील टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन में जब टर्बाइन के इनलेट पर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रेशर एनर्जी भी होती है। जैसे वाटर फ्लो करता है रनर पे से, वाटर जो कि ज़्यादा प्रेशर पे होता है और प्रेशर एनर्जी चेंज होती रहती है काइनेटिक एनर्जी में, सो दैट यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन भी मिलता है हमको और काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन भी मिलता है। और रनर जो होता है वो कम्प्लीटली एयर टाइट केसिंग के अंदर बंद होता है और रनर एंड केसिंग हमेशा फुल ऑफ वाटर होती है। इसका एग्जांपल है फ्रांसिस टर्बाइन। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, टर्बाइन में वाटर एंटर कर गया, आफ्टरवर्ड्स वो बाहर कैसे निकलेगा, उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहेगा रनर से बाहर निकलते वक्त, हम उस हिसाब से भी उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें है टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, जो वाटर रनर के टेंजेंट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। रेडियल फ्लो टर्बाइन, इसमें दो तरीके से होता है, आउटवर्ड टू इनवर्ट फ्लो, दैट मींस कि बाहर से अगर वाटर आ रहा है और अंदर से निकल रहा है तो उसे इनवर्ट फ्लो टर्बाइन कहेंगे। दूसरा है इनवर्ट टू आउटवर्ड फ्लो, जिसमें कि अगर पानी अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो उसे आउटवर्ड फ्लो कहेंगे। एक्सियल फ्लो टर्बाइन अलॉन्ग द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसका एग्जांपल है कापलान टर्बाइन। मिक्स फ्लो टर्बाइन, वाटर रेडियली एंटर हो और एक्चुअली निकल जाए, और इसका एग्जांपल है फ्रांसिस टर्बाइन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हेड हमको मिल रहा है इनलेट पर उसके हिसाब से हाई हेड टर्बाइन, मीडियम हेड टर्बाइन एंड लो हेड टर्बाइन। टर्बाइन जिस स्पेसिफिक स्पीड से रोटेट होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, मीडियम एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन की तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मेन टर्बाइन से इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला हम देखते हैं इम्पल्स टर्बाइन का जो प्रिंसिपल है, इसमें जब जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक करती टर्बाइन ब्लेड को अपनी फुल स्पीड के साथ, क्योंकि नोजल से इम्पैक्ट आता है, वो जो फोर्स जनरेट करती है उस वजह से टर्बाइन रोटेट होता है। रिएक्शन टर्बाइन में जो मूविंग ब्लेड्स होती हैं उनका शेप इस तरीके से होता है कि जब फ्लूइड उसमें फ्लो करता है तो वहाँ उसका एक्सपांशन होता है और प्रेशर ड्रॉप होता है। ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है ये एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगा और वो उसको रोटेट करता है। जो ऑल हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है, जितनी भी अवेलेबल होती है इम्पल्स टर्बाइन में, वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ नोजल। बट यहाँ इन रिएक्शन टर्बाइन हाइड्रोलिक एनर्जी का कुछ पार्ट ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जेट की वेलोसिटी चेंज होती रहती है बट प्रेशर
सेम रहता है जो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन रिएक्शन टर्बाइन में प्रेशर एंड वेलोसिटी दोनों चेंज होती है, जैसे जो हमारा फ्लूइड वो पास होता है रनर पर से। वाटर इम्पल्स टर्बाइन में हमें वाटर टाइट केसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि रिएक्शन टर्बाइन में हमें वाटर टाइट केसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इम्पल्स टर्बाइन में टर्बाइन की केसिंग और रनर को पूरा फुल ऑफ वाटर करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट मीन्स उसे रन फुल करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रिएक्शन टर्बाइन में हमें ओवरऑल उस पूरी केसिंग एंड रनर को फुल ऑफ वाटर रखना होता है। जो इम्पल्स टर्बाइन होता है वो हमेशा ही टेल रेस के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, और इसमें हमें ड्राफ्ट ट्यूब की यूज़ नहीं होती। ड्राफ्ट ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है टेल रेस से टर्बाइन को। रिएक्शन टर्बाइन को हम टेल रेस से नीचे भी लगा सकते हैं, टेल रेस से अबव भी लगा सकते हैं, और हमें इसमें यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है टर्बाइन और टेल रेस को कनेक्ट करने के लिए। फ़्लो रेगुलेशन इज़ डन बाय निडल वॉल। इम्पल्स टर्बाइन के अंदर जो फ्लो का रेगुलेशन है वो विद द हेल्प ऑफ निडल वॉल, जैसे कि स्पिर शेप का होता है, वो उसको यूज़ किया जाता है, जबकि रिएक्शन टर्बाइन में गाइड वेन असेंबली के थ्रू फ्लो रेगुलेट किया जाता है। हमें इम्पल्स टर्बाइन में हाइड्रोलिक एनर्जी ज़्यादा मिलती है, रिएक्शन टर्बाइन में कम मिलती है। इम्पल्स टर्बाइन हाई हेड्स के ऊपर ऑपरेट करता है, रिएक्शन टर्बाइन लो और मीडियम हेड्स पर ऑपरेट करता है। इम्पल्स टर्बाइन में लो डिस्चार्ज ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, और रिएक्शन टर्बाइन में मीडियम और हाई डिस्चार्ज होता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 होता है इम्पल्स टर्बाइन में, और डिग्री ऑफ रिएक्शन इन रिएक्शन टर्बाइन 0 या 1 0 से ज़्यादा और 1 के बराबर या उससे कम होता है। लेस मेंटेनेंस वर्क होता है इम्पल्स टर्बाइन में, और रिएक्शन टर्बाइन में ज़्यादा होता है। वाटर फ्लो इन इम्पल्स टर्बाइन में टेंजेंशियल फ्लो के अंदर वाटर फ्लो करता है, जबकि रिएक्शन टर्बाइन में रेडियल एंड एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर इम्पल्स टर्बाइन का एग्जांपल हम देखना चाहें तो पेल्टन व्हील है, और रिएक्शन टर्बाइन में फ्रांसिस एंड कापलान व्हील है। थैंक यू स्टूडेंट्स।